आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश का क्लास डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए पिछले वाले जो क्लास में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हमने डिस्कस किया था, जो कि आपका वो वोकैब का पार्ट है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपको ग्रामर के जैसे कि कुछ पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको वो भी सारा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो जिसमें कि आपका जैसे प्रीपोजिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने आपको जब एक पेपर कराया था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रीपोजिशन का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि है उसमें, और क्वेश्चन उससे बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी तरीके से और भी जैसे टॉपिक है आपका, जैसे कि आपका उसमें क्वेश्चन टैक्स का है, इसके अलावा आपका जैसे कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो जो मेजर टॉपिक है आपके यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक भी हम कवर कराएंगे आपका इसमें, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग मेरा जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना देख लीजिए, तो इतना भी आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम जैसे कि जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, या फिर जो इस यानी कि जो कोल इंडिया पूछा जाता है क्वेश्चन इसके द्वारा, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कवर करेंगे। बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जितना इम्पोर्टेंट होगा और जितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर करने का और कम पढ़ाई करके, क्योंकि पढ़ने के लिए देखिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको सेलेक्टेड टॉपिक और सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ना है जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे जो है इंग्लिश के साथ साथ जैसे वोकैब का जो आपका पोर्शन है, तो जिसमें कि आपका वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सोनोनिम्स होंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेज है आपका, तो वो तो करेंगे ही, साथ में इंग्लिश ग्रामर के जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस का, इसमें हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है वो भी देखेंगे, और साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशंस का मतलब होता है कि जैसे प्रीपोजिशंस वह शब्द होता है यानी कि वो वर्ड हो गया कि जो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इसका यूज़ करते हैं और उसके साथ कुछ रिलेशन दिखाते हैं। तो जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे कैट बैठी है लेकिन कहाँ पे है, वो अंडर में यानी कि टेबल के नीचे है, तो हमने यहाँ पे अंडर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वो टेबल के नीचे है तो इसलिए हमने अंडर का यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ सीखना होगा कि जैसे अंडर का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, उसी तरीके से यहाँ देखिए दिया आपका कि वी नीड अ रूफ ओवर अस, तो जैसे कि हमको रूफ चाहिए ओवर अस, तो यहाँ हमने ओवर का यूज़ क्यों किया यहाँ पे, तो इसके लिए रूल होता है कि मतलब कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसका। तो यही सारा चीज़ जो है कि प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी जैसे आपका नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, तो उसके पहले यूज़ इसका किया जाता है, या फिर इसके नाउन के बाद में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के रूल को ही आपको यहाँ पे सीखना, और ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बहुत सारे पूछे गए थे। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ है, जैसे कि आपको जो प्रीपोजिशन होते हैं जो कंफ्यूजिंग पेयर के होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बार बार इन्हीं में से पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इनको प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि आपका बिटवीन और एमंग के बीच में हो गया, बिसाइड और बिसाइड्स का हो गया, फॉर और सिंस का हो गया, अक्रॉस और थ्रू का हो गया, ऑन या अपॉन का हो गया, ऑन या ओवर का हो गया, इन और इनटू का हो गया, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का हो गया। तो इन्हीं सारे चीज़ों से जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग होता है, तो वही सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बिटवीन और एमोंग के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जैसे एमोंग है, तो एमोंग का यूज हम लोग वहाँ पे करेंगे कि जहाँ पे दो से अधिक का संदर्भ हो, यानी कि दो से ज़्यादा जैसे कि आपको कोई सेंटेंस में दिखे कहीं पे पर्सन के बारे में हो या फिर कोई और चीज़ के बारे में हो, तो वहाँ पे एमोंग का यूज़ करेंगे हम लोग। तो जैसे आपका सेंटेंस है कि अ लॉट ऑफ कॉपरेशन इज नीडेड एमोंग द डिफरेंट स्टेट टू कॉम्बैट द नेक्सलिज्म। अब यहाँ पे एमोंग हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिया, यानी कि बहुत सारे स्टेट है, दो से अधिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया एमोंग का। यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करना क्या है, गलत होता। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे कि एक और आपका यहाँ पे है कि द अर्म्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स, तो यहाँ पे बेगर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एमंग का यूज़ किया। अब उसके बाद देखिए बिटवीन है, तो बिटवीन वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग कि जहाँ पे दो के बीच में संदर्भ हो, यानी कि दो के बीच में शो कर रहा हो या दो पर्सन हो। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे बिटवीन का हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो का
यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि हम एमोंग यूज करते हो तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बस केवल जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशंस है और उनका कहाँ पे हमको यूज़ करना है, ये करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करने आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि और इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किस केस में किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, तो बिटवीन है तो इसके साथ में कंजक्शन यानी कि हम एंड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे केवल मेन पॉइंट ही याद रखना है। अब देखिए एक चीज़ और भी आप लोग याद रखना है यहाँ पे कि जैसे अगर बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन अगर आता है आपका इसमें, तो जो नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो बिटवीन द कंट्रीज, अब यहाँ पे आप सिर्फ कंट्री यूज़ कीजिएगा तो वो गलत होता है, क्योंकि ये रूल कहता है कि बिटवीन के बाद कोई अगर नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो जैसे एक और एग्जांपल है कि बिटवीन द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिटवीन द स्टूडेंट केवल नहीं करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यही छोटा छोटा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अब फिर देखिए अगला है बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी कि जैसे कोई अगर आपका घर है तो यदि उसके बगल में आपके फ्रेंड का घर है तो वो क्या हो जाएगा कि यानी कि वो जो घर उसका क्या है, उसके बिसाइड में है, यानी कि माई फ्रेंड हाउस इज बिसाइड मी। तो उसके बगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिसाइड्स का। अब बिसाइड्स आपका यहाँ पे जैसे एस अगर लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, जैसे कि आप इसको सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि आई नो म्यूजिक बिसाइड्स बिसाइड्स पेंटिंग, यानी कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हमको यहाँ पे और भी चीज़ आता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बिसाइड्स का। तो ये दोनों आप लोग इसमें ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए फिर आपका फोर है और दूसरा आपका यहाँ पे सिंस है। तो देखिए जो फोर होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और जिसमें कि मतलब अवधि का यानी समय का जहाँ पे आपका उल्लेख हो, यानी कि जो उसके बारे में पता आपको चल रहा होगा इतना, मतलब कि है इतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, और सेंटेंस आपका वहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है, फॉर ए लॉन्ग टाइम है, तो मतलब कि यहाँ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है कि बहुत लंबे समय के लिए। या इसमें आप देखिए कि सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, तो फॉर 10 ईयर्स यहाँ भी ड्यूरेशन दिया हुआ है 10 ईयर्स का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फोर का यूज़ किया। और ये भी सेंटेंस देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि ये जैसे कि आपका परफेक्ट टेंस में आपका दिया हुआ, चाहे आपका कंटिन्यूअस हो वो आपका इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। और सिंस देखिए वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपका क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता चलता हो, यानी कि जिसमें आपका एक शुरुआती समय यानी कि स्टार्टिंग समय का जहाँ पे आपको उस बात का पता चले, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो इसका भी जैसे परफेक्ट और परफेक्ट टेंस में ही जैसे इसका यूज़ करते हैं हम लोग कुछ केसेस में। तो जैसे आपका दिया हुआ है कि आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2009, तो अब यहाँ पे देखिए शुरुआती समय यानी कि 2009 के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय से हम मैंने उसको नहीं देखा यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंस का यूज़ किया। और देखिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, तो ये इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने वही सारा चीज़ लिया हुआ है कि जो इस एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखिए यहाँ पे आपका अगला है अक्रॉस और थ्रू का यूजेस। तो इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप रोड को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक रोड का किनारा इधर है और एक रोड का किनारा मतलब कि दूसरे तरफ वो है, बीच में आपका क्या है, रोड है, यानी कि आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अक्रॉस का। कि जैसे कि आई एम, जैसे कि आपका एक रोड को आप रोड को क्रॉस करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा। या फिर आप इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं रिवर को स्वैम कर रहा हूँ। अक्रॉस मतलब कि जैसे आप उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाना हो तो वहाँ पर हम लोग अक्रॉस का यूज़ करेंगे। या फिर जहाँ पर रोड भी आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और थ्रू देखिए यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि किसी जरिए के थ्रू, यानी कि आप उससे गुजर के आप जाते हैं, या इसका ये दूसरे टर्म्स में होता है कि किसी के जरिए के थ्रू। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाई हिम थ्रू हर, अब यहाँ पे जैसे मैसेज जो कन्वे किया गया था उसके द्वारा, लेकिन किसके द्वारा, मतलब कि उसके से, यानी यहाँ पे क्या एक मीडियम जो है, मतलब कि हर यहाँ पे क्या है, एक मीडियम बन रहा है यहाँ पे, जो कि मैसेज यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेट किया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रू का यूज़ किया। और दूसरे सेंस में इसको हम लोग वहाँ पे करेंगे कि जैसे किसी के थ्रू हम लोग गुजर के जाते हैं, जैसे कि कोई टनल हो गया या फिर कोई सुरंग होता है, तो वहाँ भी हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि द ट्रेन पास थ्रू द टनल, तो अब टनल से वो क्या हो रहा है, किससे गुजरते हुए जा रहा है, तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ करेंगे हम लोग।
अब उसके बाद देखिए, जैसे आपका अक्रॉस है, तो अक्रॉस का जैसे यहाँ पे भी मतलब कि बहुत सारे अर्थ में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड है यानी कि उस पार है, तो वहाँ भी हम लोग जैसे इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि उस पार क्या हो रहा है, उसका वो वेट कर रहा है, तो वहाँ भी इस सेंस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ऑन और अपॉन के बीच में, तो ऑन का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी के ऊपर, मतलब कि वहाँ पे क्या है, एक दूसरे से स्पर्श में हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपका है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो अब मान लीजिए कि जैसे टेबल है उस पे ऊपर में बुक रखा हुआ है, तो जैसे वहाँ पे क्या है, बुक जो है उसके मतलब कि उसका टच में है, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। और अपॉन का यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे कि जहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे कोई मोशन में आपको वहाँ पे आ रही हो, जैसे मोशन में कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई बिल्ली है, बिल्ली ने क्या किया कि जंप किया टेबल के ऊपर में, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि द कैट जंप अपॉन द रैट या जंप अपॉन द टेबल, तो क्योंकि उस पर क्या हो रहा है कि मोशन में करते हुए वहाँ पे जंप कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग अपॉन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रीवियस जो एक CIL क्वेश्चन में पूछा गया था, आपका कोल इंडिया लिमिटेड में ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसी से रिलेटेड है आपका बेसिकली। तो जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे वो लिख के नहीं देंगे कि प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, वो आपको यहाँ पे बस दे देंगे कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको फिल करना है जो यहाँ पे ब्लैंक आपका है, तो उसको आपको सबसे पहले देखना होगा यहाँ पे कि वर्ड आपका क्या दिया हुआ है, और इसके प्रॉपर यूजेज आपको सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि द चाइल्ड रैन डैश द स्ट्रीट अनमाइंडफुल ऑफ द हेवी ट्रैफिक, अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या फिलअप होगा। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको अक्रॉस के बारे में बताया था कि अक्रॉस का मतलब होता है कि जैसे एक तरफ से दूसरे तरफ जाना होता है या फिर रोड को क्रॉस करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तो चाइल्ड भी यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रीट को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है दौड़ते हुए। अब यहाँ पे आगे आपको दिया हुआ कि अनमाइंडफुल ऑफ द हैवी ट्रैफिक, यानी कि हैवी ट्रैफिक से भरा हुआ है लेकिन वो बिना सोचे समझे वो जा रहा है, तो यहाँ पे रोड को क्या कर रहा है, वो क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आपका थ्रू दिया हुआ है, तो थ्रू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी का जरिया होता है, यानी कि किसी के थ्रू हम लोग कन्वे मैसेज कन्वे करते हैं, तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जैसे आपका ओवर दिया हुआ है, तो ओवर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई हमारे ऊपर हो, यानी कि जैसे रूफ आपका है, छत हो गया, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ भी इसका यूजेस सही नहीं है। इसमें आप लोग जितने ऑप्शन दिए रहता है, तो आप उसको वहाँ पे फिल करके देखना, उसके बाद आपको इजिली समझ में आ जाएगा कौन सा करेक्ट होगा। हालांकि आपको इसका प्रॉपर यूजेज है वो आपको सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप फिल कर सकते हैं। और जो राउंड होता है, राउंड का मतलब होता है कि जैसे गोलाकार में घूमना, जैसे आप कुछ सर्किल में घूमते हैं या फील्ड में आप घूमते हैं, तो वहाँ कहते हैं ना कि ही इज़ मूविंग अराउंड द, या मूविंग राउंड द सर्कल, या मूविंग राउंड द फील्ड, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूजेस करते हैं। तो आपको हर एक प्रीपोजिशंस का या फिर जो हर एक जो वर्ड होते हैं इस तरीके के, तो वो आपको समझना होगा जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं आपका। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे ओवर और अंडर का यूज़ देखेंगे। तो देखिए ओवर का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे कोई सर के ऊपर हो, कोई भी चीज़ हो जो कि स्पर्श में हो, वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो जैसे कोई भी चीज़ हो आपका, जैसे एग्जांपल है कि वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, तो अब हेड के हमारे क्या है, वो ऊपर में है, तो यहाँ पे स्पर्श में नहीं है, लेकिन वहाँ भी ओवर का यूज़ करेंगे। लेकिन कोई ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं कि जहाँ पे कि वो टच में हमारा हो रहा हो, तो वहाँ भी ओवर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे क्या दिया हुआ है कि बेबी के ऊपर में हमको क्या करना है, ब्लैंकेट को मतलब कि रखना है, तो वो भी क्या है कि जैसे वो यानी कि उसके ऊपर ही तो जैसे रखते हैं हम लोग, तो वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब कि उसके ऊपर ही है, तो इसलिए यहाँ पे ओवर का भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपके हैं और इनका यूजेज है, आप लोग अच्छे से देख लेना यहाँ पे। और जैसे कि देखिए यहाँ पे ओवर है आपका और अंडर है, तो ओवर को जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ ऊपर में हो तो वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे, और अंडर का मतलब होता है के नीचे, यानी कि किसी चीज़ के नीचे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका है कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब टेबल के वो नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि उसके ऊपर रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे कि ऊपर में वो टच में रहे या ना रहे, वो हम लोग अलग केसेस में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वो आप लोग याद रखना इसको। अब यहाँ पे देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर का जो ये कोल इंडिया लिमिटेड में क्वेश्चन आपके पूछा गया था, इसमें जो कि
ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमावदार करके देता है। यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं पूछता है कि प्रीपोजिशन आप फिल कीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा था इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज को आप ढूंढिए इनमें से, आपको अंडरलाइन दिया रहेगा यहाँ पे और आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि द चाइल्ड थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड एंड पुल्ड ए ब्लैंकेट एट हिज फेस। अब यहाँ पे देखिए, आपसे आपको पहचानना है कि जो अंडरलाइन जो यहाँ पे वर्ड है या फ्रेज है, तो उनमें से कौन सा है कि जो रॉन्ग यूजेज है उसका। तो रॉन्ग यूजेज यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका यहाँ पे आर्टिकल हो सकता है, या आपका इसमें प्रीपोजिशन का यूजेज रॉन्ग हो सकता है, या फिर और कोई भी चीज़ जो ग्रामर के जो आते हैं वो आपका हो सकता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है एट हिज फेस। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंकेट की बात कही जा रही है कि पुल्ड कर रहा है ब्लैंकेट एट हिज फेस। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ यदि हमारे उसके ऊपर आवरण होता है, यानी कि हमारे उसके ऊपर में होता है, तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट हिज फेस यूज़ किया गया यहाँ पे, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें से एट हिज फेस जो ऑप्शन आपका 4 वाला है, क्या इसमें यही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे ओवर हिज फेस होगा, क्योंकि ब्लैंकेट को ओवर में रखा जाता है, यानी कि उसको ऊपर में वहाँ पे यूज़ किया जाता है ओवर का। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो वर्ड होते हैं आपको उनका यूजेस करने आपको सही से आना चाहिए, उसके बाद ही तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही तैयार करना होगा एग्जाम के लिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इन और इनटू के बारे में देखेंगे कि इनमें जैसे कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इनका वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कोई किसी के अंदर में हो, यानी कि कोई अंदर में बैठा हो या फिर कोई भी पर्सन हो। जैसे कि एग्जांपल है कि वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे सिंस क्या है, क्लासरूम के अंदर में बच्चे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया है। और इनटू जो आपका है यहाँ पे, तो इनटू का यूज मतलब होता है कि जैसे कोई अंदर में आता है और वो भी चलते हुए, यानी कि मोशन में या दौड़ते हुए चलते हुए आता हो, तो वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे इस तरीके से आपको यूजेस करना होगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पे देखिए जम्प दिया हुआ है, इनटू द रिवर है। तो यहाँ पे इनटू हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है, जम्प कर रहा है, तो वो मोशन में यानी कि दौड़ते हुए ही जाएगा या फिर चलते हुए ही जाएगा, इंटर करेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यदि आप यूज़ कीजिएगा ऐसे कि द बॉय जम्प इन द रिवर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे मोशन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कहीं भी आपको इंटर मिलेगा, तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं हम लोग। तो जैसे कि इंटर इनटू रूम हो गया कि ही इंटर इनटू द रूम, तो वहाँ पे क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटर के साथ कभी भी हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते हैं। आपका यहाँ पे क्या होगा, बिना इनटू का यूज़ करना है आपको। उसी के तरह यहाँ पे जैसे थ्रो आपका है, तो थ्रो के साथ भी हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ इन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ही इंटर इनटू द रूम, तो इंटर के साथ इनटू यूज़ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे सिंपली हम लोग, कि ही इंटर द रूम, बस यही सही है। उसी तरीके से अगला देखिए है कि ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल। अब यहाँ भी देखिए इनटू का यूज़ किया गया है, तो आपको बताया था कि थ्रू के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। मतलब कि ही थ्रू द बॉल इन द वेल। अब इसके बाद देखिए, जैसे इंटर के साथ कहीं मान लीजिए कि एग्रीमेंट हो या अलायंस हो, तो वहाँ पे हम लोग इंटू का यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे इंटर इंटू एग्रीमेंट या इंटर इंटू अलायंस, तो वहाँ पे इसका जो यूजेज है वो करेक्ट होगा आपका। फिर उसके बाद देखिए, ऑन टाइम और इन टाइम का यूजेज हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग। तो देखिए, ऑन टाइम का मतलब होता है कि समय पर, यानी कि एग्जैक्ट समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है कि समय से होगा। तो जैसे कि ऑन टाइम बोलते हैं ना हम लोग, कोई एग्जैक्ट टाइम है 10 बजे, तो मतलब 10 बजे ही होगा। जैसे कि एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, यानी कि ऑन टाइम यानी कि जो समय निर्धारित किया गया 10 बजे, तो 10 बजे ही। लेकिन इन टाइम के यदि हम बात करते हैं, तो ये एक समय से हो जाता है कि मे बी आपका 10 से 10:30 के बीच में दिया रहे, तो उसके बीच में वो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो निश्चित समय से ही होगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल से समझिए इसको, यहाँ पे किस तरीके से है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए ऑन टाइम आपका दिया हुआ है, तो मतलब इसका क्या है कि समय पर हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे हुआ है। अब यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अरिव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, या ऑन टाइम कौन सा आपका सही होगा यहाँ पे। तो देखिए, सिंस यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है कि वो लोगों ने सोचा था इसमें कि ट्रेन लेट होगा, लेकिन वो क्या हुआ, एग्जैक्टली समय पे ही आया।
यानी कि एग्जैक्ट ऑन टाइम पे आया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूजेस करेक्ट है। इन के यदि आप यूज़ करते तो क्या होता है कि वो ड्यूरेशन मतलब कि एक समय से हो जाता, मे बी एक निश्चित जो समय होता है थोड़ा बहुत 1-2 मिनट लेट हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखना। अब देखिए आपके एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो किस तरीके से आपसे पूछता है एग्जाम में, कि जैसे आपको दिया रहेगा कि द फॉलोइंग सेंटेंस दिया आपका, तो उसमें कोई एक वर्ड या फ्रेज है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है और उनमें से कोई एक इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस है कि सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर्स इंटर इन टू हर हाउस। तो अब इसमें से जो अंडरलाइन वर्ड आपका जो दिया गया है, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग होगा, तो आपको सबसे पहले ये यूजेज आपको यदि अच्छे से पता होगा तो आप लोग इसको इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर इन टू दिया हुआ है, तो इंटर के साथ कभी भी इन टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो रॉन्ग किस में आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटर के साथ कभी भी हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा इसका कि कहाँ पे प्रॉपर यूजेस करते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको स्टडी करते चलना है। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका है कि सुधा फेल डैश इन द वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हिम। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड आपका या फ्रेज है वो जो कि इनकरेक्ट आपका है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका फेल इन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, फेल इन टू होगा आपका, जैसे कि कोई वेल में कोई गिरेगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा मोशन में, मतलब कि मोशन में जाते हुए गिरेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से फेल इन का नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, फेल इन टू होगा, तो इसलिए आपका किस में रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए वाला यानी कि ये वाला जो अंडरलाइन रहेगा। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए है बाय और विद का यूज़। तो बाय का हम लोग यूज़ वहाँ पे करते हैं कि जैसे किसी पर्सन के द्वारा कोई भी एक्टिविटी किया जाता हो, वहाँ पे हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। और विद का यूज़ करते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई औजार या हथियार का यूज़ करके कोई पर्सन कोई भी काम करे, तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोग क्या करते हैं कि बाय कहीं पे लगाना होता है और विद कहीं पे भी लगाना होता है, तो वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूल वो नहीं जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ ए स्टिक। अब यहाँ पे देखिए बाय हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो स्नेक है वो किसके द्वारा किल किया गया, तो वो मैन के द्वारा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे किसके थ्रू उसको मारा गया, तो स्टिक के थ्रू, तो इसीलिए यहाँ पे विथ ए स्टिक हमने यूज़ किया। अगर आप लोग ऐसे यूज़ कीजिएगा कि जैसे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन और बाय द स्टिक यदि आप यूज़ कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी कोई औजार या हथियार का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करना होगा विद का यूज़ करना है। तो ये रूल आपको बस याद रखना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगला आपका है एग्जाम्पल कि यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विथ ए स्मॉल रड, यानी कि यहाँ भी देखिए क्या है कि फिश को जैसे कि कैच करने के लिए बात कही जा रही है जो बिग फिश है, तो यहाँ भी स्मॉल रड है, मतलब कि यहाँ भी हथियार का ही यूज़ करके कैच करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप ऐसे यूज़ कीजिएगा कि यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश बाई ए स्मॉल रड, तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर हम विथ का यूज़ करेंगे। तो जहाँ भी औजार या हथियार का यूज़ करने की बात आए, तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा जो कि काम एक्टिविटी किया जा रहा हो, तो वहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, तो इसके अंतर समझते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बिफोर का मतलब होता है के पहले या के समक्ष होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो इसको कैसे हम देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आई केम बिफोर यू, यानी कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं आ चुका था, तो ये तो सही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। और दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ भी दिया हुआ है कि इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे क्या है, उसके समक्ष रखा गया है यहाँ पे। तो इस संदर्भ में आपको यहाँ पे बिफोर का यूज़ करना है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है उसके सामने। तो जैसे एग्जाम्पल है कि डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, यानी कि मेरे गेट के सामने, उसके सामने यानी कि नहीं करना है पार्किंग, यहाँ पे बिफोर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दोनों में आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन वो इसी से ही फ्रेमिंग किए जाते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे एट और इन का यूज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऐट का जो यूज़ हम लोग करते हैं, तो ये छोटे स्थान के लिए करते हैं, और जो इन का यूज़ हम लोग करते हैं, तो ये बड़े स्थान के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इसमें कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो अब दिल्ली क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया,
लेकिन एट यहाँ पे क्या है, ये छोटा जगह यानी कि उसका एक हिस्सा है, उसी का दिल्ली का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो दिल्ली मुखर्जी नगर आपका क्या होगा, ये छोटा जगह हो गया, और बड़ा आपका क्या हो गया, दिल्ली हो गया। तो वहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे, और एट हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पे छोटे स्थान के बारे में दिखाया जा रहा हो। फिर उसके बाद देखिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, तो इसमें देखिए अंतर क्या होता है, दोनों का मतलब ही सेम ही होता है कि के बावजूद, लेकिन इन स्पाइट ऑफ रहेगा आपका, इसमें ऑफ का यूज़ होता है, लेकिन जब डिस्पाइट यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना होता है। और इसमें एरर में यही दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन में कि वहाँ पर डिस्पाइट ऑफ करके दे दिया जाएगा, लेकिन वो गलत होता है, आपको सिर्फ डिस्पाइट यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल है कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे जैसे कि हमने इन स्पाइट ऑफ यूज़ किया यहाँ पे, अब इसी को जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ करके आपको दे देगा यहाँ पे, और वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है वहाँ पे, सिर्फ डिस्पाइट का ही यूज़ करना है, ऑफ नहीं लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि डिस्पाइट बींग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये इस तरीके से आपको करेक्ट यूज है इसको करना है। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि आपको कोई टाइम दिया रहेगा, या मंथ दिया रहेगा, ईयर दिया रहता है, डे दिया रहता है, या डेट दिया रहता है, तो वहाँ पे प्रॉपर यूजेज हम किसका करेंगे, तो जैसे कि कोई एग्जैक्ट टाइम आपका दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एट का यूज़ करेंगे, यानी कि आवर जहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। कि जैसे एग्जाम्पल समझिए इसको कि आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एट 7 o'clock एट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इन का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर ऑन का यूज़ नहीं करेंगे कि आई रीच दिल्ली ऑन 7 o'clock। अब यहीं पे देखिए यदि आपका मंथ दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे इन का यूज़ करते, उसी तरीके से ईयर दिया रहता तो वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए है कि आई रीच दिल्ली इन मई, या फिर आई रीच दिल्ली इन 2005, तो जहाँ भी आपका मंथ दिया रहेगा या ईयर दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे। और ये अगर मान लीजिए कि इसी के जगह पे आपका डे दिया रहेगा या फिर डेट दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि है आई रीच दिल्ली ऑन मंडे, या फिर आई रीच दिल्ली ऑन 7th of September। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ जहाँ पे भी आपको डेट दिया रहेगा, या फिर आपको टाइम दिया रहेगा, या मंथ दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, तो कहाँ पे प्रॉपर किसका यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना इसको। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई एक निश्चित समय होता है आपका, यानी कि एक जो भी इस टाइप के समय होते हैं, जैसे कि एट मिडनाइट हो गया, सनसेट हो गया, नाइट हो गया, तो वहाँ पे हमेशा आपको एट का यूज़ करना है, मतलब कि एट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एट डाउन हो गया, एट डस्क हो गया यानी कि शाम का समय हो गया, एट डे ब्रेक हो गया, एट सनराइज हो गया, एट नून हो गया, एट सनसेट हो गया, तो इन सभी जगहों पे आपको एट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम लोग और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। तो जैसे आपका अलोंग दिया हुआ है, तो अलोंग का मतलब होता है कि समानांतर, यानी कि एक डायरेक्शन में। तो जैसे कि आप कोई भी रोड हो गया या रेलवे लाइन हो गया, तो यदि आप उसी के समानांतर में आप चलते हैं, यानी कि उसके पैरेलल में चलते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को अलोंग का यूज़ करना है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, उसी तरीके से है कि आई वॉक अलोंग द रोड, यहाँ पे हम रोड पे वॉक नहीं कर रहे हैं, उसी के क्या कर रहे हैं, हम समानांतर चल रहे हैं, मतलब किनारे चल रहे हैं उसके। तो इन जगह पे आपको यहाँ पे अलोंग का यूज़ करना है। उसी के तरह देखिए अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट का जो यूजेज है, तो इसका जैसे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी के प्रतिकूल में यूज़ करना, यानी कि उसके अपोजिट में यूज़ करना, तो वहाँ पे इस तरीके से आपको यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई नदी में आप चल रहे हैं, वहाँ पे आप मान लीजिए कि नदी का जो विपरीत धारा है, यानी कि वो जो अगेंस्ट है उसका करंट जो भी फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा तो ये सही रहेगा आपका। जैसे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। और यदि मान लीजिए कि किसी के चलते, यानी कि कोई जैसे टेररिज्म है, तो उसके जगह पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम अगेंस्ट द टेररिज्म। तो इनका बहुत सारे केसेस में यूज़ किया जा सकता है, तो ये सारे केसेस आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ऑफ का यूजेज के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो ऑफ का यूजेज है, तो ये निर्जीव का, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने यूज़ करके देखा होगा, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उसमें पोस्ट ऑफ एस लगा के आप यूज़ करते हैं, जैसे कि लायंस टेल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग जैसे पोस्ट ऑफ एस लगा के यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए कि किसी में यदि आपका निर्जीव चीज़ है, जैसे कि आपका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल्स वुड हमने यूज़ किया पोस्ट ऑफ एस लगा के, तो ऐसे यूज़ करना ये गलत होता है, तो इसमें हमको ऑफ लगा के यूज़ करना होगा, जैसे कि वुड ऑफ टेबल हो गया, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। उसी तरीके से चेयर्स लिख दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो इसमें भी पोस्ट ऑफ एस लगा के हमने यूज़ किया है, तो इसको यूज़ करेंगे लेग ऑफ चेयर, इस तरीके से आपको यूज़ करना है।
उस तरीके से देखिए, जैसे ऑफ है तो इसका ही बहुत से मतलब कि अर्थ में भी इनका यूज़ किया जा सकता है, या फिर जैसे आपका किसी का ओरिजिन से रिलेटेड हो, यानी कि कोई पर्सन हो जो बिलोंग करता है रॉयल फैमिली से, तो वहाँ भी ऑफ का यूज कर सकते हैं कि जैसे ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली, तो यहाँ पे ऑफ का भी यूज किया जा सकता है। और एक देखिए है आपका यहाँ पे कि जैसे आपको इससे भी आप क्वेश्चन मिलता है, एक यूज़ होता है डाई ऑफ का और एक होता है डाई फ्रॉम का, तो कहाँ पे आप डाई ऑफ का यूज़ करना है कहाँ पे डाई फ्रॉम का, तो जहाँ भी आपको कोई एक निश्चित बीमारी से मरने का मतलब कि कोई जैसे उसमें दिखे सेंटेंस में, तो वहाँ पे डाई ऑफ का यूज़ करना है। और जैसे कि किसी में आपको किसी कारण से मरने का आपको पता चले सेंटेंस में, तो वहाँ पे डाई फ्रॉम का आपको यूज़ करना है, कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि ही डाई ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे एक निश्चिंत पता है कि ये बीमारी से यानी कैंसर से मर रहा है, तो यहाँ पे डाई ऑफ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे डाई फ्रॉम कैंसर का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे कि अगला सेंटेंस देखिए है कि ही डाई फ्रॉम थर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्स्ट से वो मरा, क्योंकि ये एक कारण है, कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया। यदि आप यहाँ पे डाई ऑफ थर्स्ट यूज़ कीजिएगा तो वो गलत होगा। तो आपको इन सारे जो भी यूजेज होते हैं इनके, तो ये आपको मतलब कि इस कहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। उसी तरीके से जैसे ऑफ का यूजेज है, इसको हम लोग रिलेशन दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से जो है आपका जितने भी और रिमेनिंग चैप्टर है वो हम खत्म करेंगे। आपका एक और लेक्चर आपका आएगा प्रीपोजिशंस का, जिसमें कि हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस होते हैं और उसके साथ जो यूजेज होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, और इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम इसी तरीके से जो और भी जो चैप्टर है आपका खत्म कराते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,